हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम खेलने वाले स्नो प्लगिंग सिम्युलेटर, जिसमें कि हमें स्नो हटानी पड़ती है लोगों के घर के बाहर से। इसमें हमें बहुत टूल्स मिलेंगे, बड़े बड़े टूल्स मिलेंगे। अभी ये इन्वेंट्री हमारी खाली है, अभी तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे मैप बहुत बड़ा है, यहाँ पे लेक्स भी बहुत बड़ी हैं, ट्रैक्टर भी है हमारे पास, और हमारे पास एक पिकअप ट्रक भी है जिसमें कि हम स्नो हटा सकते हैं टूल्स लगा के। पर अभी पिकअप ट्रक हमारा लेफ्ट में है, तो हम देखते हैं किधर है। यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, मैप इतना बड़ा है कि बता नहीं सकते। यहाँ पे हमारा पिकअप ट्रक है, ये हमारा गैराज है, तो चलिए चलते हैं इसमें। ये हमारा पिकअप ट्रक है, यहाँ से हम गैराज को खोल के हम यहाँ से इसे चला सकते हैं। बट अभी शायद हमारे पास इसकी की नहीं है, तो अभी हमें की ढूंढनी पड़ेगी। की ढूंढने के लिए हमें जो गेट के बाहर है, यहाँ से पहले ऑनलाइन शॉप कर लेते हैं। यहाँ से हमें टूल लेना होगा एक, जिसका वो है स्मॉल सवल। यहाँ से बाहर स्नो है बहुत, पर यहाँ पे हम अपने पैरों से भी हटा सकते हैं, पर पैरों से हटाने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि पैरों से थोड़ी थोड़ी हटेगी। इसीलिए हमें खरीदना पड़ेगा स्मॉल सवल, यहाँ पे हमें हटानी पड़ेगी ये। जैसे आप देख सकते हैं स्नो से पैरों से भी हट रही है, पर थोड़ी थोड़ी हट रही है। ये पता नहीं क्या गेम है, ग्लिच है, क्या है, पर हमें यहाँ से मॉनिटर से खरीदनी पड़ेगी हमें एक सवल ऑनलाइन, जो कि $50 की है। अभी बाहर आ जाएगी, वो डिलीवर हो जाएगी। यहाँ से हम प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं, और भी स्मॉल सवल डिलीवर्ड हो चुकी है। इधर नहीं है, पीछे है, ये मेल बॉक्स है हमारा, जहाँ से हम मेल्स चेक कर सकते हैं किसने क्या जॉब भेजी है हमारे लिए। ये गेट है, हम अभी बाहर नहीं जा सकते जब तक कि हम इसे सवल से पूरा मेन एरिया साफ नहीं कर देते। यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं आपको साफ करके मिलता हूँ। जैसे कि हमने स्नो रिमूव कर दी है, ऑलमोस्ट 90% हमने रिमूव कर दी है। इसके बाद रात हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा स्नो हटाई नहीं। यहाँ से हम एक और स्मॉल स्केपर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम वेट कैरी कर पाएंगे स्नो का, और हम इसे हटा सकते हैं। यहाँ से हम जितनी भी ओवरऑल बचेगी हम उसे भी कर लेंगे सही। और हमने यहाँ से ये आ चुकी हमारी सवल दूसरी, इससे हम ज़्यादा हटा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं 100% कर सकता हूँ अब इससे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था उससे करने में, वो छोटी थी ना, इस वजह से। यहाँ पे हमने इसे कर दिया है, लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम शायद अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं गैरेज के बाहर, तो चलो हम गैरेज से अपनी गाड़ी को निकालेंगे अब। बट उससे पहले हमें देखना होगा ऑनलाइन शॉप में क्या क्या अनलॉक हो चुका है। जैसे कि हम ये एक्सपेंसिव थिंग्स अभी नहीं ले सकते। क्लॉथ्स हमारे बहुत अनलॉक हो चुके हैं, पर वो भी अभी एक्सपेंसिव है हमारे लिए। बाय हम एक ही कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास $440 है। पावर अप हम कर सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, जैसे सनस्क्रीन वगैरह। ठंड बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो अभी हम इतने से ही सेटिस्फाइड हैं। अभी हम जाके अपना पिकअप ट्रक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। हम ये प्राइवेट रूम है मेरा नहीं, पर गेम वालों ने प्राइवेट रूम रखा है इसे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि कोई आई है कि नहीं हमारे पास जॉब, अभी नहीं आई है शायद। और अभी हम इसको कार को निकाल सकते हैं बाहर, यहाँ से थोड़ा व्यू ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं गेट्स को, और यहाँ से अब जाके हम गैराज को भी खोल सकते हैं, पर अंदर जाके खोल सकते हैं। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा इस रूम से, यहाँ से गाड़ी बहुत बढ़िया है। यहाँ से हमें गेट ओपन ये क्या आवाज है? ये ट्रैक्टर नहीं है, ये गाड़ी है गाइस। बट आवाज इसकी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम गाड़ी को बाहर निकालेंगे, और अभी थोड़ी हम ड्रिफ्ट लगा के देखेंगे ड्रिफ्ट लगा सकती है कि नहीं हमारी गाड़ी बाहर जाके। अभी इसमें फुल रेस देंगे, फुल रेस देने के बाद ये चक्री घुमा देंगे इसकी, जाके ड्रिफ्ट कर रही है अभी। पर ये गाड़ी कंट्रोल्स थोड़े खराब हैं, वो स्नो वगैरह की वजह से क्यों हो सकता है। पर अभी हम निकलते हैं इससे, आवाज़ बहुत कानों में चुभ रही है। पर इसके टायर्स भी थोड़े सही हैं। यहाँ पे अभी आगे इसके वो लगेगा जो हमने देखा था एक्सपेंसिव वाला,
आगे स्नो, अभी हम इसको अभी अंदर कर देते हैं और देखते हैं कि हमें कोई जॉब मिली है कि नहीं। इसे अंदर करने के बाद, वैसे इसकी आवाज़ थोड़ी बेकार है, गाड़ी पिकअप टाइप नहीं लग रही है इसकी आवाज़, ये ट्रैक्टर टाइप लग रही है पता नहीं क्यों, पर देखना पड़ेगा जब तक हम ये गैराज की डोर बंद कर देते हैं, सॉरी गैराज की नहीं, बाहर के गेट बंद कर देते हैं हम। यहाँ पे हमें शायद ये स्टीव स्मिथ्स के घर जाना पड़ेगा स्नो हटाने के लिए, तो अभी हम गाड़ी लेके जाएंगे वहाँ पे। जब तक चलिए हम चलते हैं गाड़ी लेके, मेल में भी चेक करते जाते हैं कुछ आया कि नहीं। यहाँ पे कोई जॉब नहीं आई है पता नहीं क्यों, पर वहाँ पे जो स्टीव स्मिथ का घर है वो तो दिखा रहा है कि जॉब कंप्लीट करके जाओ अपनी। वहाँ पे ही शायद हमें ट्रैक्टर मिल सकता है। यहाँ से हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और पीछे लेते हैं, निकालते हैं इसको। अब हम चलते हैं अपने स्टीव स्मिथ के घर की तरफ। ये रोड बहुत स्नोई है, यहाँ पे बहुत स्नो पड़ती रहती है। ये देखिए आप, इसके टायर क्या आवाज़ कर रही है बाहर से, इसके टायर देख देखो क्या हो रहा है इसे। अब शायद ये स्नो की वजह से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर टायर ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अभी साइड व्यू पता नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं इसके साइड व्यू से देखना आप, बहुत बेकार चल रही है पता नहीं क्यों। अब हम शायद आ चुके हैं स्मिथ वगैरह के घर से। ये बताओ ऐसी आवाज़ कर रही है ये देखो, शायद इसके टायर्स का स्क्रू थोड़ा ढीला हो सकता है। मैंने अभी तक इसे पहले टच भी नहीं किया है, आपके सामने पहली बार टच किया है, क्योंकि हमें वो सफाई की थी वहाँ पे चाबी मिल गई थी इसकी। अब शायद से यही घर है, हमें जाना पड़ेगा। ये ओपन नहीं हो रहा है, ओ ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, हम गलत घर में घुस गए पता नहीं कैसे, हमें देखना पड़ेगा। हाँ यहीं पे है, पर वो सामने वाला हो सकता है शायद, क्योंकि हम लेफ्ट वाले में चले गए, राइट वाले में चले गए, लेफ्ट वाले में जाना था। हाँ यही है, इसे खोलते हैं और सामने ट्रैक्टर खड़ा है, शायद से हम इसे ले जा भी सकते हैं। इस ट्रैक्टर से ही साफ़ करना होगा मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का घर। ये ट्रैक्टर, इसके घर के बाहर बहुत पत्थर हैं पता नहीं क्यों, ये ट्रैक्टर अटक सकता है पता नहीं। इसे चलाते हैं, इसे आर से नीचे करना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 100 किलोग्राम से कैरी कर सकता है आगे तक, पर ये आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे पत्थर बहुत हैं पता नहीं क्यों। ये ऐसे तो मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगा इसे, जब तक अगर होता है तो देखते हैं। वैसे हम चला लेंगे इसको, ये चल ही नहीं रहा है बताओ, ये आगे अटक गया है, अब आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये लैंप लग रहे हैं, बताओ लैंप कौन लगाता है नीचे, और वो भी बाहर, वो अलग बात है अमीरों के शौक होते हैं, पर आप ऐसे थोड़ी ना लगाओगे। अब यहाँ पे पत्थर भी हैं, पत्थर को हटाने के लिए ये हटेंगे तब जाके ये होगा सही, जब तक हम इसे चलाएंगे। अब देखते हैं ये बाहर जा सकता है कि नहीं, ये हट ही नहीं रहा है पता नहीं क्यों, पत्थर इसमें इतने हैं। फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद हो जाए, क्योंकि हमें ये जॉब तो पूरी करनी ही है, पर ये इतनी जगह है ही नहीं कि मैं इसे चला सकूँ, पत्थर ही इतने हैं, पत्थर अटक जाते हैं इसके आगे। अब ऐसा ही हम हटाने वाला आगे अपनी पिकअप ट्रक के भी लगाएंगे, पर शायद से हम इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि मिस्टर और मिसेस स्मिथ तो यहाँ पे है ही नहीं, वो कहाँ देख रहे हैं कि हम हमारे घर के बाहर क्या है। पर हाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, पर हम इसे यहाँ पे खड़ा करके देखते हैं, पर खड़े करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जॉब ले रखी है तभी जाके पैसे मिलेंगे और तभी हम बड़े बढ़िया बढ़िया क्लॉथ्स खरीद पाएंगे और वो स्नो हटाने वाला खरीद पाएंगे, वो वेरी एक्सपेंसिव था। इसे खरीदने के बाद, और हम उसे खरीदेंगे, फिर इसे भी खरीद लेंगे मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से बात करके, क्योंकि हमें भी आगे ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब यहाँ पे इसे हटाने के लिए चल तो पा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही इतने, कौन लगाता है इतने पत्थर गैराज के सामने, वो भी चलने में दिक्कत होती है बहुत, इन्हें नहीं होती पता नहीं क्यों, और वो शायद रहते भी नहीं है यहाँ पे, तो हमें इनका सही करना पड़ेगा। ये पैसे लिए हैं तो करना तो पड़ेगा, पैसे भी मिले नहीं हैं, पर हाँ मिल जाएंगे। ये अटक बहुत रहा है ये पत्थरों में, हम इसको पीछे से हटाएंगे, अब इसे हम बाहर ले जाएंगे, हम ले जाते हैं इसको घर। अब नहीं ले जा पा रहे हम, क्योंकि क्या करें, पैसे हमें ही लेने हैं बाद में, अगर हम इसे ले गए तो पैसे मिलेंगे नहीं, हम ना अपने पिकअप ट्रक में लगा पाएंगे, पर फिर भी ले जाना तो अच्छा है, देखते हैं चला के। ये यहाँ पे हटा दे तो, नहीं तो रोड से बाहर की हटा देंगे हम,
बाहर की हम हटा देते हैं इसको, देखा जाएगा। वो मैं हटा चुका हूँ, अब हम इसे बैकयार्ड में ले जाके चेक करेंगे ये हटा पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे भी इतने लैंप लगा रखे हैं, कौन हटा पाएगा ऐसी बर्फ को। अब यहाँ पे हम नीचे करेंगे तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत है, थाउजेंड्स में है। और हम जो कर रहे थे वो 5 kg तक का वो कर रहा था सवल, और वो बड़ा वाला जो हमने खरीदा अभी थोड़ी देर पहले वो 50 kg तक पहुंच गया था। ये एक ही बार में हटा सकता है, इतनी कैरिंग कैपेसिटी रखता है ये। पर ये ट्रैक्टर हमें मिल नहीं सकता क्योंकि ये है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का, क्या कर सकते हैं। पर वो तो क्रिकेट खेलने जाते रहते हैं, सॉरी क्रिकेट नहीं, ये अलग मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ हैं। अब यहाँ पे ऐसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसे अगले एपिसोड में कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसे खड़ी कर देते हैं और अगले एपिसोड में इसे पूरा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत हैं, इन पत्थरों को हटाना पड़ेगा फिर जाके हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हम इसे यहीं पे खड़ी कर देते हैं गैराज के बाहर, जैसा हमें खड़ा मिला था। ऐसे ऐसा नहीं मिला था, इज्जत से खड़ा हुआ मिला था, पर हम ऐसे ही खड़ी करके चले जाते हैं। और हम जाएंगे इस खटारा ट्रक में, ये ट्रक के टायर पता नहीं क्या है, कैसे चलता है ये ट्रक, इसे भी रिपेयर करेंगे आगे जाके। ये ट्रक कैसा है, ये पिकअप ट्रक ऐसे होते हैं, ऐसे कहीं नहीं होते। अब देखो इसकी स्लिपरी तो होगा ही वो, पर मैं भी ऐसे ही चला रहा हूँ, क्या टूटता रहेगा ये, मैंने भी कुछ नहीं किया इसमें। पर अब इसे हम जाके रिपेयर करेंगे, पर मेरी ड्राइविंग थोड़ी ख़राब है, पर इसके कंट्रोलर्स भी तो ख़राब हैं यार। अब हम इसे खड़ा कर करके आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में। जब तक के लिए आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये देखिए कैसे रुक रहा है ये। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए। और आगे भी और अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, तो उसे मिस ना करो तो ही अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये अब हम अगली जॉब कर देंगे, गेट को बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इसे, और हम हीटर के सामने खड़े हो जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है, रात भी होने वाली है। और हम प्राइवेट रूम में जाके सो जाएंगे क्योंकि वो हमारा प्राइवेट रूम है, तो हम उसमें सो सकते हैं। पर अब यहाँ पे ये हम कर चुके हैं तो